जयंती पर याद किए गए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, इनकी कविताएं राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावनाओं से ओतप्रोत होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। गोही जागृति मंच के तत्वाधान में मैथिली शरण गुप्त के पार्क में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी मौजूद रहे। गोहोई जागृति मंच के अध्यक्ष साकेत गुप्ता और दीपक गुप्ता ने मुख्य अतिथि संदीप सरावगी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। समारोह की अध्यक्षता गोहोई मंच के अध्यक्ष साकेत गुप्ता ने किया। इसके उपरांत राष्ट्रकवि की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करने के उपरांत समाज की गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान और वृक्षारोपण किया गया। संदीप सरावगी ने कहा कि मैथिली शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता के भाव कूट कूट कर भरे गए थे, इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के परम भक्त थे। उन्होंने गुप्त जी की एक कविता वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इस पर प्रकाश भी डाला। इस अवसर पर बसंत गुप्ता, शिवम गुप्ता, सुशांत केड़ा, विकास पिपरैया, धर्मेंद्र चौधरी, इंदर, विशाल पिपरैया, राकेश, लखन, राजू, फिरोज आदि लोग भी मौजूद रहे। संचालन मनोज रेजा और आभार मंत्री दीपक गुप्ता ने किया। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के झांसी से मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की खास रिपोर्ट इंडिया समाचार। दादा मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती मना रहे हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हर साल की भांति